आश्री कल्कि धाम में संतों का समागम है और जगह जगह से देश के हर कोने से जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मोहिनी शरण महाराज जी वृंदावन से पहुँचे हैं, हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा अवसर है सनातन धर्म के लिए? देखिए, अब अवसर पर अवसर आते ही जाएंगे, क्योंकि राम आ गए, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। जहाँ जहाँ राम की आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ आप पाएंगे। हमारे भगवान श्री कल्कि जी का अवतार यहाँ संभल में होना है, उसकी स्थापना पूज्य महाराज आचार्य जी के द्वारा की जा रही है। और आप ज्ञान व्यापी जी को आप ले लीजिए, ज्ञान व्यापी जी में नंदी महाराज जी ने वो पट खुलवा दिए हैं। अब बची है हमारी कृष्ण जन्मभूमि, वो उस पर हम 13.5 एकड़ पर हम लोग उसमें पार्टी हैं, और उस पर निश्चित ही हम वहीं पर जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जो लाला का जन्म हुआ है, गर्भगृह है, उस पर हम भव्य दिव्य मंदिर बहुत शीघ्र ही बनाएंगे। क्योंकि उनके पास कोई तत्व नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जितना साक्ष्य हम लोगों के पास है, वहाँ पर आप कमल का चिन्ह है, पुष्पों का चिन्ह है, सांतिया बना हुआ है, कलश बने हुए हैं। आप जो भी देखेंगे, अगर उसकी खुदाई होती है, तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। और हमारे हाईकोर्ट ने मांग मान ली है और सर्वे हो रहा है, और सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो असली गर्भगृह है वही जगह पर है जहां आज मस्जिद बनी हुई है, और निश्चित ही हम लोग सनातन की आज यहां शपथ लेके जाएंगे कि हम लोग जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा लाला का मंदिर नहीं बन जाएगा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राम आ गए हैं और अब काशी और फिर मथुरा, लेकिन जो विपक्ष है, जो पॉलिटिकली सिनेरियो में अगर देखें, तो वो लगातार ये कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है किसी संप्रदाय को। ऐसा कुछ नहीं है। अभी विधानसभा में योगी जी ने एक याद दिलाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, वो प्रसंग याद दिलाया था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपनी भूमि को, और हम लोग साक्ष्य के द्वारा, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम न्याय संगत बात कर रहे हैं, जो भी बात हम पैनल से चल रहे हैं, और न्याय के द्वारा हम लोग साक्ष्य रख के अपनी जमीन मांग रहे हैं। 70 साल से छुपाया हुआ था और 70 साल से उसको हम झेल रहे थे। आज कम्युनिस्टों ने हमारे धर्म को दशातल में लेके गए, आज हमारे पास राम के रूप में मोदी जी मिले हैं और लक्ष्मण के रूप में योगी जी मिले हैं। आज वो जहाँ जहाँ राम की भूमि है, जहाँ जहाँ कृष्ण की भूमि है, जहाँ जहाँ महादेव की भूमि है, प्रत्येक भूमि पर वही परचम लहराएंगे। और आने वाला समय सनातन का समय है। जितने भी आतंकवादी हैं, जितने कम्युनिस्ट हैं, ये सब एक हो गए हैं, हो जाने दीजिए, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये 2024 में हम लोग सब बता देंगे उन्हें, जो राम की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा। सनातन कोई किसी का गलत नहीं सोचता है, सनातन हमेशा सबका भला ही चाहता है, और सनातन की क्रिया से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। आज कल की अवतार की जो भूमि है वो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। मान रहे हैं कि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो जो मथुरा का विषय है वो भी हल हो जाएगा? अरे भैया, जहाँ यूनाइटेड में, सऊदी अरब में आप देख रहे हैं भव्य राम मंदिर, कल्पना कर सकते थे? नारायण की कल्पना कर सकते थे? आज वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बन चुका है, और हमारे पास तो सारे साक्ष्य हैं, समय का इंतजार है, सारे क्लियर है, बस अब समय की तैयारी है, अब कार्यशैली खोलनी है भव्य मंदिर बनने के लिए। 2024 में साफ है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और निश्चित बनेगा। संतों का आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन की सरकार है, और सनातन की जो सरकार जो होती है, जो पहले से चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है, राजा महाराजा संतों के सानिध्य में अपनी सरकार चलाते थे, और जब संतों के दिशा निर्देश में जो सरकारें चलती हैं, उनमें राम राज्य रहता है, वो सब एक ही घाट को दोनों पिला के चलते हैं। बकरी भी उसी में पीती है, शेर भी उसी में जल पीता है। कि किसी के सनातन किसी अहित नहीं करता है, सनातन मर्यादा है, सनातन संस्कार है, सनातन धर्म है। धर्म में जो चलता है वो किसी का अहित नहीं करता है। और हम कहते हैं, आप लोग गंगा जमुनी की तहजीब दिखाइए, अपना बड़ापन दिखाइए, जिनकी भूमि है उन्हें वापस कर दीजिए, और आप लोग भी वापस हो जाइए जहाँ तुम थे। आपके पूर्वज भी बदले गए हैं, आपने पूर्वजों से पहचान करो, आपके पूर्वजों के नाम कोई रामदास निकलेगा, कोई श्यामदास निकलेगा, और आप अपने धर्म में क्यों नहीं आते? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरा विश्व अपना रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ राम राज्य की बात हो रही है,
जब राम जी का जन्म हुआ था, राम जी का अभिषेक किया गया था, पूरे विश्व ने उस दिन शुभ दिन मनाया था। तो हम तो यही चाहना चाहते हैं, ये निश्चित ही आप लोगों से फिर भी कह रहा हूँ कि आप लोग फिर दोबारा सोच लें, जैसे कि पूज्य महाराज जी ने समय पर आकर पूरे सनातन की समझी, उनके मन में पीड़ा हुई कि राम मंदिर के लिए इन कमिश्नरों नहीं गए, तो वो उनकी विचारधारा अलग है। महाराज जी ने समय पर रह के और राम जी के मंदिर में हमें मिले थे पूज्य आचार्य जी, वहाँ हमने उनसे निवेदन किया था, महाराज जी अपने धाम में आइए, तो आज धाम के लिए धाम बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अयोध्या और फिर उसके बाद में बनारस में काशी मंदिर का तहखाना खुला है और अब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को संतों का आशीर्वाद है, उम्मीद यही है कि सनातन की जो पताका है उसको लहराने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और संत समाज जो है वो उनके साथ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, श्री कल्कि धाम, संभल।